स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें 145 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन मैं तुम्हें अब कराने जा रहा हूँ, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 145 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। कोई वर्ग है, ये है एक वर्ग, इस तरह, और इसके चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है एक वृत्त, ये हो जाएगा इस तरह, ऐसे एक वृत्त ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसे, और ये सेम आकार के होंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है ना, बिल्कुल बराबर इक्वल होंगे ये, थोड़ा छोटे बड़े हो गए हैं, पर आप समझने की कोशिश करना कि ये बिल्कुल बराबर हैं चारों वृत्त, और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी त्रिज्या जो है 4 है, तो ये तो इसका सेंटर ये है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं 4, और इसका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ऐसी ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक 4, इसी तरह इधर 4, और ये भी इधर भी 4 है, तो 4 और 4 8, तो वर्ग की भुजा ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो आपको वर्ग की भुजा भी मिल चुकी है। वर्ग की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है तो वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों के बीच का अंश क्या है, ये बीच का क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्र में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्र घटा दो। देखो एक त्रिज्या खंड तो ये रहा इतना, ये एक त्रिज्या खंड, ठीक, एक त्रिज्या खंड ये रहा, है ना, मतलब 4 हैं ये ऐसी। अब इन चारों से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 × 4 तो कितना आ रहा है 360, कितना आ रहा है 360, और एक पूरा राउंड 360 का ही तो होता है, तो कहने का मतलब है 90 ये 90 ये 90 ये और 90 ये, तो ये 4 जगह मिल के एक पूरा वृत्त बना देंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो ये बीच वाला क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता, तो भुजा तो इसकी 8 हो चुकी है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई, और आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक, तो 8 × 8 = 64 हो जाएंगे आपके, और माइनस के 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन आप लेंगे यहाँ से तो 16 − π आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के एक दो क्वेश्चन पहले भी आपके हो चुके हैं, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 147, देखते हैं क्या है। 147 में है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 121 cm². अब वर्ग के क्षेत्रफल का अगर रूट ले दिया जाए तो वर्ग की भुजा आ जाती है, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 121, किसका रूट होता है 11 का, तो ये वर्ग की भुजा आ चुकी है। ठीक है, तो वर्ग की सारी भुजाएं 11 सेंटीमीटर हैं, तो तार की लंबाई कितना होगी, तार की लंबाई जो होती है आकृति का परिमाप जो होता है वो तार की लंबाई होती है, जो भी आकृति है, वर्ग है तो वर्ग का परिमाप, आयत है तो आयत का परिमाप, और त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप, वो तार की लंबाई होती है, ये आप ध्यान रखें हमेशा के लिए। ठीक है, तो बोला गया है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो पहले तार की लंबाई ले लो, तार की लंबाई क्या होगी, जो भुजा किसी भी आकृति का परिमाप उस तार की लंबाई होती है, तो ये वर्ग है तो परिमाप निकाल दें यहाँ से इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, मतलब कितना 44, तो ये तो तार की लंबाई आ चुकी है 44। ठीक, अब इससे क्या बनाया वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, तो वृत्त ऐसी तो बनाया होगा इस तरह, ये
तो ये जो है सर्कल, यही तो तार है। अब इसे क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, इतने की, क्योंकि जितनी लंबाई का तार होगा उतनी ही तो परिधि घूमेगी। तो 44 बराबर वृत्त की परिधि रख दें आप यहाँ पे, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2π का मान रखें और r, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 44 के, तो 44 तो 22 दूनी तो 44 हो गया, और 7 दूनी 14, तो r कितना आ गया आपका, 14 आ गया। r कितना आ चुका है, 14 आ चुका है, ठीक है। इस तरह हो जाएगा ये त्रिज्याई। इसमें ही आपसे पूछना है क्षेत्रफल, पूछता तो क्षेत्रफल भी निकाल देते इससे आगे, पर इसने आपसे बस त्रिज्या ही इसमें पूछी है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पर आ जाएं। अब 148 में क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी है। कोई वृत्त है तो उसकी परिधि इसने दी है आपको, लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि, परिधि नहीं दी है, बोल रहा है, देखो दोबारे से सुने, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाइए, वृत्त की परिधि जो है वर्ग की परिधि के बराबर है। किसकी परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि के, वर्ग की परिधि के बराबर है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये गलत लिखा गया बार बार, ठीक। अब वृत्त की परिधि क्या होते है, 2πr, ठीक है। और वर्ग की परिधि क्या होते है, 4 गुना भुजा। अब भुजा इसने दी है 22 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा की, तो 22 हो गया ये, ठीक है। तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार पाई का मान रख दो यहाँ, 22/7, तो 22 से तो 22 गया, तो 7 × 2 = 14, तो यहाँ से r बराबर कितना आ चुका है, 14 आ चुका है। पर ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का मान रखें 22/7 × r², तो 14 का स्क्वायर, तो 14 × 14 हो जाएगा ना, तो 7 × 2 = 14 हो गया, तो 14 × 2 = 28 या 22 × 2 = 44, इनकी गुणा कर लें 44 की और 14 की, ऐसे ही कर लेते हैं, 22 × 44 गुणा 14, तो 14 × 56 को 6, 5, 14 × 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 149, अब 149 में क्या है देखते हैं, 149 इसमें क्या कहा गया है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोने हैं। देखो एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है, वर्ग की भुजाएं कितनी हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी, मतलब बाद में लिख देंगे, ये 4 हैं। वर्ग के चारों कोणों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार के 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए गए हैं। 4 चाप काटे हैं ऐसे चारों कोणों पे से 2-2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के इसने, ठीक है। इस तरह ये और ये इस तरह काटते हैं, तो इनकी जो त्रिज्या है ये 2 है, ये कितनी है, 2। इस चाप की त्रिज्या कितनी है, 2 है सबकी, समझ रहे हैं आप, ये लीजिए। और इसकी भुजा कितनी है, ये 4 है, सब भुजाएं कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है। शेष आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन टुकड़ों का क्षेत्रफल घटा दें, तो टुकड़े तो ये फिर एक वृत्त ही बना देंगे चारों, क्यों, देखो एक हिस्सा ये है ना, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, दो हिस्से हुए अभी, 3 और एक हिस्सा, अगर पूरा कंप्लीट बना देते हैं, या उसे छोड़ो, यहाँ कितने डिग्री का, 90, तो 90 कितना डिग्री हो जाएगा, 360, और वृत्त 360 पे तो कंप्लीट होता है पूरे पे, तो बस वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा तो इसकी 4 थी, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr², तो r इसका 2 है, तो 2² हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 − 4π, ठीक। तो यहाँ से 4 ले लें आप कॉमन, तो 4 × 16, तो ये इस तरह,
तो 4 × 4 − π आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? अच्छा, इसने ना ऐसे छोड़ रखा बिना कॉमन लिए, यहीं पे छोड़ रखा है, तो यहीं पे छोड़ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 149। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से समझ लें इन्हें सभी को, आते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। 150 पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 150। अब 150 में क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, वो कितनी, जितनी वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा को ए मानते हैं, तो ये हो गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर तो ए है ना, और अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा तो ए मान रखी है, तो ए स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया है, तो पाई अनुपात एक इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफलों का बूझ रहा है आपसे, एक वर्ग की अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बूझ रहा है। देखो एक वर्ग की अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बूझ रहा है। अब अंत त्रिज्या परित्रिज्या कहने का मतलब है वर्ग के अंत वृत्त की त्रिज्या और वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखो ये वर्ग है, पहले भी बता चुके हैं ये वर्ग है, तो ये तो हो जाएगा अंतविरत, ये हो जाएगा परिविरत, ये इसका केंद्र होता है, इसकी भुजा अगर ये ए है तो ये भी तो ए होगी, है ना। अब यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, है ना। अब ये पूरी जब ए है तो यहाँ से यहाँ तक की ए बटे दो नहीं हो जाएगी, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या तो हो चुकी है ए बटे दो, और बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होती है, देखो ये वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये लीजिए ऐसे, जो वर्ग का विकर्ण होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में तुमसे, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका आधा तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, और जो वर्ग की भुजा होती है उसका आधा अंतवृत्त की त्रिज्या होती है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × भुजा, तो ये हो गया। तो अंतवृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगी जो भुजा उसका आधा, तो ए बटे दो, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है जो वर्ग का विकर्ण है उसका आधा, तो वर्ग का विकर्ण होगा √2 × a और उसका आधा, ये लीजिए। तो 2 से तो 2 और ए से ए, तो इसका आंसर बन जाएगा 1 √2। ठीक है, किताब में आंसर गलत दे रखा, यही सही है। 152 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 152। अब 152 में क्या है, इसमें कहा गया है दो वृत्त, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया है, है ना। तो वर्गों का क्षेत्रफल बताएं, तो बिल्कुल आसान है। देखो आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई है, वर्ग के अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा का आधा, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, विकर्ण का आधा। तो भुजा तो ए है, तो ये तो अंतवृत्त की त्रिज्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या, वहीं रख देंगे, उनके अंतर दिए हैं। अब देखो परिवृत्त बड़ा होता है ना, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतवृत्त के क्षेत्रफल की उसने वैल्यू दी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर दिया, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब परिवृत्त की त्रिज्या होती है विकर्ण बटे दो, तो विकर्ण हो जाएगा √2 × a² और माइनस अंतवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। अब अंतवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे दो, ठीक है, और ये कितना दिया है उसने आपको, उसने इसकी वैल्यू आपको दी है 77। ठीक है, बस अभी से आपको सोल्व कर लेना है, तो पाई तो आप निकाल लो कॉमन, ठीक। अब 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, और ए का स्क्वायर 1 और 2 का 4, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है, बराबर ये हो गया 77, इसकी रख दो वैल्यू 22 बटे 7, ठीक है। तो 11 × 2 = 22 और 11 × 7 = 77, और ये घूम के पहुंच जाएगा उधर, यहाँ 4 हो जाएगा एलसीएम, जब 4 एलसीएम होगा तो 2a² - a² हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे 4 बचेगा, और ये वाला 7 पहुंच जाएगा यहाँ गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 भी बचा हुआ है अभी, तो एक काम करें इसे ऐसे रहने दें अभी, 2 बटे 7 = 7, ठीक है, तो 2 × 2 = 4। अब 7 × 7 = 49, तो ए स्क्वायर बराबर 49 × 2, ठीक है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 √7
दो। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 49 का रूट तो 7 होता है, 2 का रूट तो रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वर्ग की क्या आ गई, भुजा, और शायद उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ये 152 है ना क्वेश्चन, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ को कर देता हूँ मैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 7 रूट 2 का स्क्वायर कर दें आप, तो 7 का स्क्वायर तो 49 और रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 98 आपका आंसर आ जाएगा। समझ लें, बिल्कुल आसान है, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन एग्जामों में, बिल्कुल बढ़िया फ्री के नंबर बनते हैं ये, इन्हें देखते नहीं हैं बच्चे, बहुत कम इन पर ध्यान देते हैं, तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो इनका ध्यान रखें क्वेश्चनों का। अब क्वेश्चन नंबर 153 पर आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 153। अब 153 में क्या है, यदि एक वृत्त के अंतर्वृत्त एक वर्ग की भुजा की लंबाई, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा ए रूट 2 है, वृत्त के अंदर जो है देखो वर्ग है, अब वृत्त के अंदर वर्ग बनाना लास्ट वीडियो में सिखाया था, अगर वृत्त के अंदर आपको वर्ग बनाना है तो कैसे बनाते, प्लस का निशान बनाने को मैंने बोला था, याद करें लास्ट वीडियो में बताया है, क्लास 10 में मेंसुलेशन की में, ये क्षेत्रफल का चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये तो विकर्ण होते हैं, ये होता है वर्ग ए बी सी और डी, याद है लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये वर्ग है। अब इस वर्ग की भुजा क्या है, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा ए रूट 2 है, ये भुजा कितनी है ए रूट 2 है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, अब देखो वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है ये, तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते, वृत्त की परिधि तो 2πr होता है, मतलब r तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो ये इसकी क्या है भुजा, और ये है इसका विकर्ण, ये और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते तो कोई सा एक विकर्ण आपको निकालना होगा, क्योंकि जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त का व्यास होगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त का क्या हो जाएगा, वो वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, वर्ग का विकर्ण निकाल दें, तो विकर्ण तो बिल्कुल आसान होता है, विकर्ण क्या होता है वर्ग का, वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2 गुणा भुजा, तो भुजा कितना है ए रूट 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 की रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो वर्ग का विकर्ण 2a आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या जो है, जो वर्ग का विकर्ण है ना ये आ गया है 2a, तो वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक ही होगी ना, तो a और a, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी a। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये देखने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया है ये, परिधि बूझ रहा है, तो वृत्त की परिधि निकाल दें, तो वृत्त की परिधि बूझ रहा है, तो परिधि आप इसकी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो परिधि क्या होता है 2πr, अब r की जगह तो ये है ना a, तो 2πa हो जाएगा, 2πa, ठीक है। तो ये इसका आंसर देखो, बिल्कुल आसान है, इससे आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 154 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 154। अब 154 में क्या है, 28 सेंटीमीटर व्यास, जब व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप होता है ये 4 गुना भुजा। अब इसने वृत्त की त्रिज्या दी है तो वर्ग का क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या देखो 2, अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, क्यों, क्योंकि व्यास दिया है उसने कितना 28, जब व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, तो बराबर 4a, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 × 14 और 2 × 2 × 4 से 4 कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ चुकी है 22, किसकी वर्ग की, वर्ग की भुजा 22 आ चुकी है। अभी आपसे वर्ग का क्षेत्रफल हो रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो इसका आंसर आ जाएगा 484। अब ये क्वेश्चन चलेंगे त्रिज्याखंड वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन चलने वाले हैं,
त्रिज्या खंड वाले क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और परिधि मैं आपको लिखवा चुका हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है एक बार फिर लिख देता हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360, ठीक है। और परिधि है ना, परिधि क्या होती है त्रिज्या खंड की, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360, समझ रहे ना। तो इनका ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट जो होने जा रहे हैं 155 से, ये त्रिज्या खंड वाले क्वेश्चन हैं। तो 155 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखें इसमें कहा गया है, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28 और 30 मीटर है के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तो बनाना पड़ेगा, देखो सारी भुजाएं अलग अलग हैं, इसे 30 मान लेते हैं, इसे 26 और इसे 28, तो विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण भी नहीं है, के प्रत्येक कोने पर गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। देखो यहाँ गाय बांधी है और एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 7 मीटर, तो ये गाय कहाँ तक चरेगी, ऐसे चरेगी ना यहाँ तक, क्योंकि ये कितनी है 7 है, 7 मीटर, तो ऐसे चरेगी। त्रिभुज के अंदर की बात चल रही, वरना तो ऐसे भी आ जाएगी यूँ ऐसे ये, पर वो त्रिभुज के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तीनों कोनों से ऐसे ही बांधा गया है, ये मान लेते हैं ना इस तरह, ये 7 है, ऐसे ही हम मान लिया है ये 7 है। अब ये बाहर भी जा सकती है, पर वो त्रिभुज के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, इस क्षेत्र को बूझ रहा है, ये सारा जो क्षेत्र बचेगा ना, ये इससे पूछना चाह रहा है। तो पता ये कैसे निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दें। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब थीटा तुम कहोगे जी थीटा तो हमें पता ही नहीं है, हा? तो तीनों त्रिज्या खंड जो हैं किसके अंदर हैं, त्रिभुज के अंदर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ए बी सी। अब त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो ये तीनों त्रिज्या खंड का जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। चलो बाद में बताएंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो विषमबाहु है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब S क्या होता है, अर्ध परिमाप, वो कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग बटे दो, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे दो, ठीक है। तो इसे निकाल लेते हैं जल्दी से, तो S बराबर इन्हें जोड़ ले, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1, 3 दो 5 और 4 9 और 1 10 बटे दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54। ये परिमाप कितना हो चुका है आपका, अर्ध परिमाप 54 हो चुका है, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि गलती ना हो जाए, 8 और 6 14, 3 और 4 7 और 1 8, शायद की गलती हो रही है, क्योंकि 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, 84 आएगा ये, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 आ गया आपका अर्ध परिमाप। तो रख दें यहाँ वैल्यू, तो देखो एस, अब बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पर गुणा है, एस माइनस ए मतलब एस तो आपका कितना था 42, और 42 में से एक भुजा घटा दी, जैसे 30 ही घटा लें, इसे ए मान लें, इसे बी और इसे सी, तो 42 यहाँ 42 रखेंगे और यहाँ 30, तो 42 में से 30 गया तो 12, और एस की वैल्यू रखें पहले यहाँ कितना 42, अब इसकी वैल्यू रखें तो 42 माइनस 30 तो कितना 12 गुणा, अब 42 माइनस 28, 42 में से जब आप 28 घटाओगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे, 3 में से 2 गया 1 तो 14, ठीक है। अब 42 में से 26 और घटा दो, एस माइनस सी से सी मान लिया है, तो आपको कितना बच जाएगा, जब 26 घटाओगे 12 में 6 गए तो 6 है ना, तो 16, तो ये हो गया, ठीक है। इनके गुणा ना करें, इनके जोड़े बनाएं दो दो के, क्योंकि रूट में दो में से एक बाहर निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर इसे लिख लें 3 गुणा 14, 14 तिया 42 होता है, और इसे लिख लें 3, देखो 42 को 3 गुणा 14 और 12 को 3 गुणा 4, 14 को इसे ऐसे ही रहने दें और 16 को भी ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब देखो एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो दो में से एक बाहर निकल जाता है रूट में 3, ऐसे ही एक 14 ये रहा और एक ये रहा, तो एक 14 बाहर निकलेगा, 4
का रूट 2 होता है और 16 का रूट 4 होता है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लें आप, 4 दुनी 8 या 24, तो 24 गुना 14 ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्या आ जाएगा आपका, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। दिख रहा है कि आप लोगों को, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो वो त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 14 चौका तो 56 होते हैं, तो 56 को तो 6 हासिल 5, और 14 दुनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, तो 336 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 155 था, तो 336, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब इनमें से इन तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल और घटाना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देख लें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो वही होता पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब पाई का मान तो 22/7 आएगा, और आर क्या है, आर यही है जो इनकी त्रिज्या है, ये सबकी 7 ही है, तो 7 × 7। अब थीटा, अब देखो वो बात है जो मैं आपको बता रहा था, ये तीनों त्रिज्या खंड त्रिभुज के अंदर है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा के स्थान पर 180 आएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो 0 से तो 0, और 18 × 36, और 1 7 से 1 7, और इससे ये 11 बार, तो 11 × 7 = 77, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 77 आ गया है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 आ गया। 336 में से 77 घटा दो, जो बचा हुआ क्षेत्र वो निकल जाएगा, है ना। तो 336 में से आप 77 घटा दें, तो 16 में से 7 गए तो 9, 12 में से 7 गए तो 5, तो 259, कितना 259 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेना 180 क्यों रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। 156 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 156। में क्या है, एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंतरित होता है, तो रस्सी की लंबाई आपसे पूछ ली है इसने। देखो खंभे से बांधा गया है, सपोज करो यहाँ कोई खंभा है, इससे घोड़ा बांध दिया है, और ये घोड़ा जो है 88 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब इस तरह होगा, देखो ऐसे, और ये चाप बन जाएगा, मतलब त्रिज्या खंडी बनेगा ये इस तरह ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कितने एंगल का कोण है, ये 72 एंगल का कोण है, और ये कितनी दूरी तय करता है, इसे ओ मानो, इसे ए मानो, और इसे बी मानो, ठीक है। तो ये ए बी की दूरी दी है इसने, ठीक है, ये कितनी है 88 मीटर, ये परिधि तो है, ये क्या है, परिधि है, क्योंकि राउंड में है ना अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई आपसे बूझ लिए है ना। तो एक काम करें आप, परिधि निकाल दें, इसने परिधि आपको दी है, ये परिधि दी इसने आपको, ये क्या है परिधि है, ये क्या है परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, 2π का मान रखें r, है r आपसे पूछ ही रहा है, ये जो रस्सी की लंबाई है ये r ही है, ये या ये r आपसे पूछ रहा है, 2πr गुना थीटा बटे 360, तो थीटा तो इसने दिया है 72/360 बराबर कितना 88, ये 88 परिधि है, अब परिधि बराबर परिधि रख दिया, 2πr गुना थीटा बटे 360। अब थीटा बटे 360 क्यों लिया, क्योंकि त्रिज्या खंड की परिधि है, त्रिज्या खंड के मैंने बताया आपको यही है। तो देखें इसे कैसे करते हैं, 11 से पहले इसे काट लें, तो 11 × 2 = 22, और 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 8 बार, ठीक है, और 36 × 2 = 72, और 36 धाम 360, अब 2 × 2 = 4 × 8, तो 8 से आपका 8 भी कैंसिल हो गया है, तो 10 × 7 = 70, तो इधर तो एक ही बचा है, तो 70 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R बराबर कितना आ चुका है 70 आ चुका है। अब ये त्रिज्या, ये तो यही तो रस्सी है, रस्सी की लंबाई बोल रहा, तो 70 मीटर आ गया, ठीक है, आ गया होगा आपको समझ, देख लें ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है सभी। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 157,
अब 157 में क्या है देखते हैं। इसमें कहा गया है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 मीटर है। सबको पता है सुई मिनट वाली सबसे लंबी होती है, वो उसकी परिधि त्रिज्या हो जाती है घड़ी की। तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार करेगी। 30 मिनट में पूछ रहा कितना क्षेत्रफल पार करेगी, है ना। तो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, समझ रहे ना। अब देखो घड़ी की जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा एक राउंड लगाती है, तो 60 मिनट में कितने एंगल जाती है वो। अब पूरा एक राउंड लगा रही है 60 मिनट में, तो ये पूरा राउंड कितना होता है 360 होता है। तो 30 मिनट में आधा ही तो राउंड लगाएगी, तो 360 का आधा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो वो 180 डिग्री ही वहाँ घूम पाएगी 30 मिनट में, है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल दें आप। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखें क्योंकि ऑप्शन पाई में है नहीं, पाई आर स्क्वायर। अब आर वो होगा जो सुई की लंबाई है त्रिज्या, तो 7 है तो 7 × 7 पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। यहाँ पॉइंट है थीटा कितना होगा, घड़ी की सुई 60 मिनट में पूरा एक राउंड लगाते हैं मिनट वाली, तो पूरा राउंड होता 360 का, तो 30 मिनट में आधा राउंड, तो आधा राउंड होगा 180 का, तो 180 बटे 360। ठीक है, बस ये विषय सॉल्व करना है आपको। 18 × 36 7 से 7, 2 से ये 11, तो 11 × 7 = 77, तो कितना आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, या हाँ वर्ग सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो हो गया, बिल्कुल आसान है। देखो जो बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से देखें उन चीज़ों को, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। 157 पे आ जाएं, 157, अच्छा 157 ही था ये क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये 157 ही था, वहाँ पे 158 डल गया, 56 डल गया था, अब 158 पे आ जाएं, 158 पे। ठीक है, अब 158 में क्या है, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर की बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने पे बांधा है। देखो एक खेत है वर्गाकार, बिल्कुल आसान, ये लीजिए इस तरह, इसकी सारी भुजाएं 10 हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब एक कोने से बांध दिया है, और कोने से जैसे ही बांधा है तदनुसार खेत को चलने में, अच्छा 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, यहाँ बांध दिया सपोज करो, और ये लंबाई है ऐसे, तो ये ऐसे ये 7 मीटर है सपोज कर लिया, या और मान लो थोड़ी सी, है ना, ये 7 मीटर है ऐसे, तो वो ऐसे ही तो चलेगा यूँ यूँ, अगर अंदर की बात हो रही है, और अगर चारों ओर की हो रही है तो फिर तो ऐसे चल जाएगा, पर ये अंदर की ही बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, केवल अंदर की ही बात कर रहा है, तो इतना ही तो क्षेत्र चलेगा वो, ये लीजिए, है ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये देखें, तदनुसार उस खेत को चलने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्र कितना होगा, न्यूनतम संभावित क्षेत्र बुझ रहा है, तो ये बुझ रहा है ये आपसे जो बचा है, इतना तो वो चर ही लेगा, समझ रहे ना, ये सारा ये बचेगा ऐसे, ठीक है, तो इसे बुझ रहा। तो ये कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें, ये त्रिज्या खंड है, ये क्या है त्रिज्या खंड, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये लीजिए, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, इसमें से घटाना है इसे, ऑप्शन पाई में तो नहीं है, पाई में नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर तो यही है ना 7, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। अब आप कहोगे जी थीटा क्या है, अब देखो ये एंगल है यहाँ ये, तो वर्ग का प्रत्येक एंगल ये 90 डिग्री का नहीं होता है, वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो थीटा की जगह 90 आएगा, क्या आएगा 90, ये लीजिए। ठीक, बस अभी से सोल्व करना है आपको, तो ये तो हो गया 100 − 7 से तो 7 गया 90, ये मतलब 1/4 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब दो बार कैंसिल हो जाएगा ये, इससे यहाँ 4 बच गया ना ये, तो 2 × 4 ये 11 है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 11 × 7 = 77/2, नीचे तो 2 ही बचा है ना, अब ये कितना हो जाएगा 200 − 77/2, लगभग में पूछ रहा है वो, तो पहले घटा लें, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2 / 2, है ना, तो 2 × 12 = 2, 2 × 5 = 10, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझते जाएं,
चित्र जरूर ध्यान से समझे, वरना कुछ समझ नहीं आने का, समझ रहे ना। तो 158 भी हो गया आपका, 159 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 159। अब 159 में क्या है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का अर्धव्यास होगा। अब वृत्त के अंदर जो वो उसने बनाया है त्रिज्या खंड जो है, वो एंगल कितने का बना रहा है, 120 डिग्री का बना रहा है, और उसका क्षेत्र दिया, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्र दिया है उसने। किसका क्षेत्र दिया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्र दिया है ना। तो इसे इसके बराबर आपको रख लेना चाहिए, ठीक है। देखो ये 9 सही 3/7 ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और ये इसने कितना दिया है आपको, 9 सही 3/7 9 सही 3/7 ठीक है। अच्छा यहाँ वैल्यू रखें 22/7 त्रिज्या तो आपको दी नहीं है उसने, बूझ गिना क्या चाह रहा है आपसे, त्रिज्या तो बूझ ही रहा है वृत्त, ठीक है। तो आर स्क्वायर गुणा, अब थीटा कितना आएगा, उसने दिया है 120/360 बराबर 7 निम 63 और 3 66/7 ये 3 बार इससे कैंसिल होगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल होगा, 22 3 66 और 3 3 9 तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3 आ जाएगा। अब त्रिज्या पूरे वृत्त की हो या अर्धवृत्त की हो तो रहती तो उतनी है त्रिज्या, समझ रहे ना। 3 आ जाएगा, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, बस समझते जाएं देखते जाएं। 160 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 160 में क्या है, एक रस्सी जिसे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र को चर सकेगी। अब देखो ये नहीं कहा गया है कि रस्सी वर्ग के अंदर है, आयत के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, ये नहीं कहा गया, वृत्त के अंदर है नहीं कहा गया ना, तो वो ओपन है फिर, है ना। एक रस्सी जिससे गाय बंधी है, बस इतना कहा गया है। तो सपोज करो यहाँ है रस्सी, इससे गाय बंधी है, और रस्सी की लंबाई कितनी ही पहले 12 मीटर ही, ये कितनी थी 12 मीटर, तो वो कितना क्षेत्र चरेगी, ऐसी तो चरेगी चारों तरफ का इस तरह, है ना, इस तरह ही चरेगी ना, थोड़ा सा और क्लियर कर लेना आप लोग, इस तरह ही तो चरेगी, ठीक। क्योंकि ना उसने यहाँ ये नहीं कहा वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर, आयत के अंदर या त्रिभुज के अंदर, वो गाय बंधी है 12 मीटर लंबी, तो वो तो चारों तरफ का चरेगी। अब ये रस्सी 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 23 कर दी है इसने, 23 मीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक या तो यहीं कर लें, 12 तो ये हाई आ गए, और 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 और आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ये रस्सी 23 की है टोटल, टोटल कितने की है ये, 23 की, तो अब इतना क्षेत्र चरेगी वो ऐसे, समझ रहे, इस तरह, समझ गए होंगे आप, ये लीजिए ठीक। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र को चर सकेगी, अब कितने ज़्यादा को चरेगी, तो इसमें से सारे में से बड़े वाले में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें आप, वही होगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो वृत्त वाले क्वेश्चन आ गए, है ना। तो ये कैसे होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई तो कॉमन ले लेंगे, अब इसकी आर कितनी है 23 और इसकी आर कितनी है 12, समझ रहे हैं। अब ऑप्शन देखें, पाई में दिए या किस में दिए, क्वेश्चन नंबर 160 है, बिना पाई के दिए तो पाई की वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है, पाई की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 23 का वर्ग तो 529 हो जाएगा, यहाँ तो 22/7 आ गया है, यह हो जाएगा 529, और 12 का वर्ग 144, तो 22/7 गुणा 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 4 गए तो 8 और 4 में से 1 गया तो 3, 7 5 35 बचे 3, 7 5 35 ठीक है। और इनकी गुणा कर लें अब आप, 55 की और 22 की, 55 और 22 की गुणा कर दें, 2 5 10 2 5 10 और 11 तो 0 1 1 तो जुड़ के कितना है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, 121 जीरो, 1210। क्वेश्चन नंबर कितना था, 160। अब 161 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाए। एक सौ इकसठ में क्या है, 60 मीटर गुणा 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान। देखो एक आयत है, लंबाई तो 60 है और चौड़ाई 30 है, इस तरह ये 60 है और ये 30 है, ठीक। मैदान के कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांधा गया है। तो रस्सी है, एक कोने से बंधी है, अब इसकी लंबाई जो है 16 मीटर है और यहाँ गधे को बांध दे, ठीक है, इस तरह गधे को बांध दिया जाता है। इस गधा इस मैदान के लगभग वर्ग मीटर क्षेत्र की घास चरेगा, ये बोल रहा है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैदान की बात करिए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरह घूम जाएगा ये, इस तरह, समझ गए। तो क्या बोल रहा है, ये कितने को चरेगा, है ना, ये आपसे पूछ लिया है इसने। तो ये हिस्सा अंदर का निकालना है आपको, ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये कैसे पता चलेगा ये कितना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 161 है ये, है ना। तो करना क्या होगा आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दो बस, त्रिज्या खंड का क्या निकाल दो, क्षेत्रफल, क्योंकि इसे पूछ रहा है वो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360, ठीक है। अब पाई कितना होता है, पाई में तो नहीं है ना ऑप्शन, पाई में नहीं है, 22/7 गुणा त्रिज्या यही हो जाएगी 16/16 गुणा। अब थीटा कितना होगा, देखो ये एंगल कितने का होता है आयत में, 90 डिग्री का होता है, 90 90 90, तो 90/360 आएगा, 90/360, ठीक है। तो ये इससे तो चार बार कैंसिल होगा और 4 4 16 हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 16 4 64, तो ये हो गया है आपका 22/64/7, ठीक है। इनकी गुणा करके 7 से भाग कर दो, तो 64 की और 22 की गुणा करें आप, तो 8 और 12 8 और 12, तो ये कितना हो चुका है, 14/0/7 को 7 से भाग करो, तो 7 × 14 और 7 = 7, है ना। तो लगभग में ही आ जाएगा ये, इस तरह से आपका कितना है, ये 201 है लगभग में, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेना आप, क्योंकि यहाँ 8 है, मैंने 7 लिख दिया, 8, ठीक है। तो 7 × 7 फिर 1.2 लग के लगभग में 201 आ जाएगा। 162 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 162। में क्या है, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आधार दिया है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, तो उसकी त्रिज्या वगैरह कुछ दी है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, तो त्रिज्या दी है 8, कितनी दी है 8, ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें बूझा क्या गया है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना, तो इसे कम करें आप, 8 × 8 कर ले, ये लीजिए, तो 1 8 से 1 8 कट जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 16 पाई, ठीक है। जो ये बूझना चाह रहा है वो यही है, 162। तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंबमिश ऊंचाई होता है, लंबमिश क्या होता है, ऊंचाई ही होता है। 163 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 163। अब 163 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 163 इसमें बोला गया है, किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबे चाप से बना है होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोझ रहा है। देखो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखो यहाँ एंगल नहीं पता, ये नहीं पता वर्ग के अंदर है वृत्त के अंदर है। देखो वर्ग या आयत के अंदर होता है तो एंगल पता होता है, वृत्त के अंदर नहीं तो वो देता है, पर यहाँ किसी के अंदर भी नहीं है और एंगल भी नहीं पता है। तो जब एंगल ना पता होने वाली कंडीशन और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो तब क्षेत्रफल होता है चाप गुणा त्रिज्या बटे दो, चाप गुणा त्रिज्या बटे दो, त्रिज्या बटे दो। अब इसने ये दोनों चीज़ आपको दे रखी होंगी डेफिनेट। वो बोल रहा है त्रिज्या भी दी है और 3.5 सेंटीमीटर लंबा चाप भी, तो 5 गुणा 3.5 बटे दो, ठीक है यही कंडीशन है, बस इसे आप सोल्व कर लें आप। 5×5=25, 2 5×3=15 और 2×17, तो 2×8=16 बचा 1 हो गए 15, 2×7=14, 2×5=10, तो 8.75 सेंटीमीटर इस पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 और बच्चे हैं आज की क्लास में, इन्हें और मैं करा लेता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ के हैं नहीं अभी, इन्हें ज्यामिति में देने चाहिए थे, पता नहीं यहीं पर लगा दिए हैं। 66 और 67 तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था ये क्वेश्चन यहाँ पे, 65 और 66 तो नहीं देना चाहिए था किसी भी हद पे, यहाँ पे पता नहीं क्यों इसने लगाए हैं। 164 देख लें, क्वेश्चन नंबर 164 देखें, आरेखित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। देखो एक चित्र बना हुआ है, मैं भी बनाता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छा है। एक वृत्त है इस तरह से ये, और ऐसे करते हुए दो लाइनें यहाँ से निकली हैं इस तरह, ठीक है, इसे टच करती हुई, और इसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी है, ये 14 है, और इस पे ना एक ऐसे एक ये त्रिज्या खंड है, कितने एंगल का, 45 का, ठीक है, और सभी भाग में लाइनिंग है इस तरह ऐसे, सभी भाग में क्या है लाइनिंग है इस तरह से ऐसे, समझ रहे हैं, इस तरह से ऐसे, ठीक, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपसे क्या कह रहा है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो तो आरेखित भाग आ जाएगा, जो लाइनिंग है इसे बूझ रहा है तो पूरे वृत्त के में से इसे घटा दो तो आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, त्रिज्या आपको चाहिए होती है। अब त्रिज्या क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी ये 14 ही होगी, तो ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से इधर 7 तो इधर भी 7 और ये भी 7 हो जाएगा फिर, है ना, लाइन थोड़ा सा और नीचे आनी थी थोड़ी सी यहाँ ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से, तो ये भी 7 और ये भी 7, तो वृत्त की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, और ये जो इस त्रिज्या खंड के लिए है ये भी 7 हो जाएगा, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। भाई ये करते हैं आप आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे, पाई में तो नहीं लगाए हैं, पाई में नहीं है तो वैल्यू रखनी होगी आपको, तो 22/7 गुणा 7×7 माइनस 22/7 गुणा 7×7 और थीटा उसने दिया 45/360, तो 45 से तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8×5=40, 8×6=32, 4×4=36, ठीक है, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है, तो 2×7=14 और 2×7=14 और 1×15 माइनस 2, ये भी कितना 154, पर यहाँ बट्टे में कितना है 4 और बचा हुआ है अभी, ठीक है, तो अब करना क्या होगा, इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहे तो कर लें क्योंकि 2 से कट रहा है ये, 2×7=14 और 2×7=14
14 और ये 2 बार, तो 77/2 हो रहा है, 2 × 7 = 14 बचा है, 77/2 लिख लो यहाँ, 77/2। अब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 3 -77, ठीक है। तो बचेगा कितना, 8 में 7 गया 1, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना बच जाएगा, 2/2, 2 × 2, 2 × 2 बचा है, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, ठीक है। तो 115.5 पर इसने जो है क्या दे रखा है, कहीं गलती हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कहीं कैलकुलेशन में इसमें मिस्टेक हो चुकी है, देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, देखो बोला तो वही था 45/8 और लिख दिया 4, मुँह से तो 8 ही बोला था, चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो इससे ये 8 बार कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार। तो इधर थोड़ी सी गलती हो गई है, इसे सही कर देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना हो पाए। तो ये कितना हो जाएगा, इसे काट लेते हैं और एक बार, 2 × 11 और ये 4, तो 11 × 7 = 77/4। तो 4 × 16 एलसीएम लेंगे, 4 × 5 = 20 और 21 दो 4 दो 6 -77/4, ठीक है। अब इसे घटाएं तो 16 में से 7 गए तो 9 और 10 में 7 गए तो 3 और यहाँ कितने बचेंगे आपके, 5/4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 बचा 1 हो गए 13, 4 × 3 = 12 बचा 1 हो गए कितने, 19, तो 4 × 16 और बचा कितना, 3 हो गए 30, 4 × 7 = 28 बचा दो 4 × 5 = 20। तो 134.75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 165 और 166, तो इसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देने चाहिए थे, ये ज्यामिति के क्वेश्चन हैं, पर चलो लगा रखें बुक में तो मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस करना होगा। एक दो पिरमे हैं वो बताएंगे तो देखो तभी जब ज्यामिति पढ़ाएंगे, पर उनका यूज थोड़ा सा बता रहा हूँ जल्दी से, है ना। 165 क्वेश्चन नंबर 165, इसने क्या कहा है, नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है। देखो एक फिगर इसने बनाई है, मैं यहाँ बना रहा हूँ उसे जल्दी से, आप देख लेना। एक वृत्त है ऐसे बनाया हुआ, 165 का क्वेश्चन है ये, 165 एक वृत्त है ये इस तरह, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक, और फिर ये और ये इस तरह, ये यहाँ पे आके टच कर रहा है ऐसे इस तरह, तो ये एंगल तो है 45, ठीक है। ये ओ है यहाँ पे, ये क्या है, ओ ऐसे जा रहा है, थोड़ा गलती से हो गया इस तरह, यहाँ पे ओ है, क्या है, ओ है, और ये पी है और ये क्यू है, इस तरह का ये एक एंगल है। यदि परिधि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है, तो ये परिधि जो है वृत्त की, ये टोटल कितनी है, 90 सेंटीमीटर इसने वृत्त की परिधि हमें दी है, चलो कोई नहीं है। तो चाप पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, चाप पी क्यू ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये वाला, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें एक पिरमे होती है, देखो लिखना चाहे तो कोई लिख सकता, मैं बोल रहा हूँ वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है, वे बना कोण परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बने कोण का डबल होता है। देखो वृत्त की परिधि पे है ये कोण, ये वृत्त की कहाँ है, परिधि पे, तो वृत्त की परिधि पे भी जितने अंश का एंगल होता है वृत्त के केंद्र पे उसका डबल होता है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। ये पिरमे हैं, पढ़ाएंगे ज्यामिति में, वृत्त के केंद्र पे जो एंगल होता है वो वृत्त की परिधि पर बने एंगल का डबल होता है। अब वृत्त की परिधि पे तो 45 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो उससे भी आगे क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में हमें पता चल चुका है ये एंगल 90 डिग्री का और ये वाली परिधि हमें बतानी है, मतलब ये बताना है कि 90 डिग्री कितनी परिधि कवर करेगा। अब देखो ये पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है ना, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, पूरा राउंड होता है, नहीं 360 का। अब इसने इस वृत्त की परिधि दी है कितनी, 90। तो कहने का मतलब ये हो गया
360 डिग्री कितने के बराबर है, 90 के। 360 डिग्री कितनी परिधि कवर कर रहा है, 90 सेंटीमीटर की परिधि कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक डिग्री कितनी परिधि कवर करेगा, तो 90 बटे 360, कहने का मतलब जीरो से तो जीरो, तो एक बटे चार आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ये वाली, तो यहाँ एंगल कितने का, 90 डिग्री का, तो ये बता दे 90 डिग्री बराबर कितना। अब एक डिग्री बराबर इतना, तो 90 डिग्री बराबर कितना, तो एक बटे चार गुना 90, बस इसे आप सोल्व कर दें तो 45 बटे दो है ना, तो मतलब 22.5, 22 सही 1/2 आ जाएगा। ऐसे कर लो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिख रहा है क्या, ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया है, चेक कर लेते हैं ज़रा एक बार, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस बशर्ते ये आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कैसे आया। एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से उसे भी कर देते हैं, ज्यामिति लगा दी इसने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 166, में क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। देखो एक वृत्त है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा ए बी है, ऐसे यहाँ ए है और ये बी है, ए बी है और फिर मतलब ऐसे बनाया नीचे को एंगल एक, कुछ इस तरह, ये एंगल 45 डिग्री का दिया है उसने, ठीक है। अच्छा ये उसने दो दी है और ये भी दो है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ आ जाए, ये त्रिभुज हो गया, आप इसको ओ मान लें। अब थोड़ा सा समझें, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये, ठीक है, ये भी दो है और ये भी दो है। जब दो भुजा बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 का होगा, कितने का होगा, 45 का, समझना, यही है क्वेश्चन। जब दो भुजा बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे, ये 45 का है तो ये भी 45 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 45 और 45 90, तो ये एंगल कितने का बचा, फिर थोड़ा सा बाहर को है ये 90 डिग्री का। तो ये आपका जो त्रिभुज है कैसा हो गया है, समकोण त्रिभुज हो गया है ना। अब समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा तो करण होती है, तो ये तो लंब हो गया है उसका और ये क्या हो गया है, आधार हो गया है, ठीक है। तो अब देखो, अब बूझ क्या चाह रहा है, ये बूझना चाह रहा है तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छाया अंकित। अब देखो ये ऐसे छाया बना रखी है इसने इस तरह, ये 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 इस तरह छाया बना रखी, तो इस भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो ए ओ बी का, और उसमें से इस त्रिज्या खंड को घटा देना इस वाले को, तो निकल जाएगा, समझ रहे ना बात को। ये 90 डिग्री इधर को है, बस यहीं यहीं नहीं है, थोड़ा सा बाहर को भी है, ये ध्यान रखना है। तो आप समझ गए छाया अंकित भाग कैसे निकलेगा, पहले त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल पूरे का, यहाँ से ये 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 सब, और उसमें से अगर आप इस त्रिज्या खंड को घटा दो तो छाया अंकित ही बचेगा। अब त्रिज्या खंड माइनस त्रिज्या खंड ए ओ, यहाँ कुछ नाम ले लेते हैं सी, ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये तो कैसा क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज कैसा बन गया है आपका, ये त्रिभुज आपका बन चुका है समकोण। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसलिए कैंसिल माइनस। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। अब देखो पाई में तो आंसर नहीं है क्या, अब पाई में ही है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका क्या होगा, यही तो होगा आर, दो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा दो, तो दो गुणा दो और गुणा थीटा बटे 360, तो थीटा 45 हो जाएगा, ये वाला थीटा बटे 360, तो 45/360, तो 45 से कितनी बार जाएगा, 8 बार है ना, तो दो से कितनी बार, दोनों से चला जाएगा, ये दोनों चार से दो बार चला जाएगा, तो बचा क्या, 2 - π/2, दो की इधर मल्टीप्लाई कर दें या ऐसी छोड़ रखा है,
तो ये ही आ जाएगा, बस यहीं छोड़ रखा 2 - π/2। तो ये क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं, शायद एक क्लास या दो क्लास और इसमें लगेंगे आपकी, ये क्षेत्रफल वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया करके कराया है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।